कहानी। आज की हमारी कहानी है दो बच्चों के बारे में, जिसमें एक बच्चा है 10 साल का और एक बच्चा है 6 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर काम साथ साथ करते हैं, खेलते साथ हैं, पढ़ते साथ हैं और घूमते फिरते भी साथ में हैं। तो एक बार वो गांव में रहते हैं वैसे वो बच्चे, तो एक बार क्या होता है वो खेलने के लिए गांव से थोड़ा बाहर चले जाते हैं। उनको नहीं पता वहां पे क्या है, वहां पर होता है कुआं। तो जो बड़ा बच्चा है 10 साल का वो कुएं में गलती से गिर जाता है। छोटा बच्चा 6 साल वाला उसको देखता है और वो बहुत घबरा जाता है। आसपास देखता है कि किसी से मदद ले लूं, पर आसपास कोई नहीं है मदद करने वाला। तो क्या करता है वो बच्चा, एकदम से उसकी नजर पड़ती है बाल्टी पर, जो कि वहां पर ही होती है, रस्सी से बंधी होती है। कुएं के पास होती है बाल्टी, वो जल्दी से क्या करता है, रस्सी कुएं में फेंक देता है। ठीक है, तो उस बच्चे को बोलता है कि बाल्टी को पकड़ लो। जो 10 साल का बच्चा है उसने बाल्टी अंदर कस के पकड़ ली है, और ये 6 साल का छोटा बच्चा है जो बाहर खड़ा है वो टेंशन में है, डरा हुआ है, और क्या कर रहा है, अपनी पूरी ताकत के साथ उस बाल्टी को खींच रहा है, उस रस्सी को खींच रहा है। अब 10 साल का बच्चा और साथ में बाल्टी, उसने अपना पूरा जोर लगाया और बच्चे को बाहर निकाल लिया और बचा लिया। उसको खुद भी यकीन नहीं हुआ कि उसका दोस्त बच गया है। बहुत खुश होते हैं दोनों, रो भी रहे होते हैं और खुश भी होते हैं कि मैंने बचा लिया। रो क्यों रहे होते हैं, डरे हुए थे दोनों के दोस्त। अब एक टेंशन और है कि घर जाएंगे, सबको बताएंगे, डांट पड़ेगी, और बताना तो पड़ेगा। तो जाते हैं घर और जाकर ये बात सबको बता देते हैं कि आज ऐसे हुआ हमारे साथ। पर क्या होता है, कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता, सारे सोचते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अरे 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है कुएं में से, वजन भी तो होता है बच्चे का ज्यादा, 6 साल के बच्चे का वजन कम होता है, तो कैसे बचा लेगा। सार वो जिसको भी बताते हैं कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। बच्चे सोचते हैं अरे ऐसे कैसे हमारी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। तो एक जो सबसे समझदार बुजुर्ग होते हैं गाँव में, बच्चे उनको बताते हैं कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, वो उनकी बात मान लेते हैं एकदम से। तो गाँव वाले उनसे पूछते हैं कि आपने इनकी बात कैसे मान ली। अरे ये हो ही नहीं सकता, एक छोटा बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है कुएं में से, ये बच्चा इतना छोटा इतना कमजोर है कि अकेली बाल्टी नहीं खींच सकता ये कुएं में से, ये बच्चे को कैसे निकालेगा कुएं से, हम नहीं मानते ये बात, आपने कैसे मान ली। तो उसने बोला कि तुम ये मत सोचो कि इसने कैसे किया, तुम ये सोचो कि ये क्यों कर सका इसको, क्योंकि उस वक्त वहां पर कोई नहीं था जो उसको ये कहता कि तू ये नहीं कर सकता। यानी कि 6 साल के बच्चे को अगर कोई ये कह देता कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम इसको नहीं निकाल सकते हो, तो शायद वो कभी उसको निकाल नहीं पाता। पर उस बच्चे ने ये सब नहीं सोचा कि मैं इसको निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ। उसने क्या किया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी कोशिश कर ली उसको निकालने की, और अंत में वो उसको निकाल पाया। समझ गए? Yes, इस कहानी से हमने ये सीखा है कि कभी भी किसी काम को देखकर डरो मत, ये मत सोचो कि ये बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकता, उसको करने की कोशिश करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरी जान लगा दो, और वो काम तुम जरूर कर पाओगे। अगर तुम बहुत सच्चे मन से कोशिश करोगे, पूरे प्रयास करोगे, पूरी ताकत लगा दोगे। ऐसे ही जब तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम मुश्किल लगता है, कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, तो उसको छोड़ो मत, उससे डरो मत, उसकी प्रैक्टिस करो और कोशिश करो उसको लर्न करने की, कोशिश करो उसको अच्छे से समझने की। समझ गए बेटा? यस मैम। ओके।